हेलो फ्रेंड्स, आपका सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ MRPL की बड़ी भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ MRPL की वैकेंसीज़ के बारे में, यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, ये ONGC की सब्सिडियरी कंपनी है और ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है नॉन मैनेजमेंट कैडर के लिए। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में और इन वैकेंसीज़ के लिए आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली पोजीशन का नाम है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर GM3 ग्रेड और इसमें टोटल 13 वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसमें एज लिमिट 45 साल दे रखी है। दूसरी वैकेंसी दोस्तों, जूनियर ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन GM3 ग्रेड की वैकेंसी दोस्तों, और इसमें एज लिमिट 38 साल दे रखी है। तो दोस्तों, इसके बाद की वैकेंसीज 10 डिफरेंट डिसिप्लिन की वैकेंसीज हैं दोस्तों। ये ट्रेनिंग की वैकेंसीज हैं और इसमें ट्रेनिंग 1 साल की है दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को दोस्तों TS5 तथा GM5 ग्रेड में प्लेस किया जाएगा। इसका डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ के सुना दूंगा। तो दोस्तों, अगली वैकेंसी जूनियर केमिस्ट ट्रेनी की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें 6 वैकेंसी है और इसके बाद की पोजीशन दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी केमिकल की पोजीशन है दोस्तों। इसमें 113 वैकेंसी है। पाँचवें नंबर की पोजीशन दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसमें 27 वैकेंसी हैं और इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, इसमें 36 वैकेंसी है दोस्तों। सातवें नंबर की वैकेंसी दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन की है, इसमें 25 वैकेंसी है। और आठवें नंबर की वैकेंसी ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी की है दोस्तों, इसमें 1 वैकेंसी है। नौवें नंबर की जो वैकेंसी है वो ट्रेनी असिस्टेंट फाइनेंस की है, इसमें 2 वैकेंसी है। दसवें नंबर की वैकेंसी दोस्तों ट्रेनी असिस्टेंट मटेरियल्स की है दोस्तों, इसमें 4 वैकेंसी है। और ग्यारहवें नंबर की वैकेंसी दोस्तों ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी की पोजीशन है। तो दोस्तों, सीरियल नंबर 3 से लेके 11 में जो एज लिमिट दे रखी है दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी तथा EWS कैटेगरी के लिए 26 साल, OBC NCL के लिए दोस्तों 29 साल, SC ST के लिए 31 साल, PWD अनरिजर्व EWS के लिए 36 साल, PWD OBC के लिए दोस्तों 39 साल तथा PWD SC ST के लिए 41 साल की एज लिमिट रखी गई है। और जो सीरियल नंबर 12 की जो पोजीशन है, वैकेंसी है दोस्तों, उसका पोजीशन का नाम है ट्रेनी असिस्टेंट, इसमें 1 वैकेंसी है और इसमें एज लिमिट दोस्तों 41 साल रखी गई है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, स्केल ऑफ पे कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड प्रोविजन एंड इमोलुमेंट्स के बारे में। इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट सेलेक्टेड इन GM3 ग्रेड विल बी प्लेस्ड ऑन प्रोविजन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन स्केल ऑफ 13,800 टू 38,500 प्री रिवाइज्ड। और जो बी कंडीशन में लिखा गया है दोस्तों, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट मेंशन फ्रॉम सीरियल नंबर 3 टू सीरियल नंबर 12 विल बी प्लेस्ड एज ट्रेनी ऑन कंसोलिडेटेड मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। और उसके बाद जिस कंडीशन के बारे में बात कर रहा था कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट मे बी कंसिडर फॉर प्लेसमेंट इन GM5 और TS5 ग्रेड इन स्केल ऑफ ₹11,900 टू 32,000 प्री रिवाइज्ड। दोस्तों, जहाँ तक रिलैक्सेशन ऑफ एज की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसका डिटेल 5 में दे रखा है। जहाँ तक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की बात है तो इसमें ग्रेजुएट मांगा गया दोस्तों विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बाकी डिटेल दोस्तों सामने दे रखा है। जहाँ तक सेकेंड पोजीशन की बात है जूनियर ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है इन हिंदी या इंग्लिश विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, और बाकी डिटेल्स सामने दे रखा है दोस्तों। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और जहां तक तीसरी पोजीशन जूनियर केमिस्ट ट्रेनी की बात है तो इसमें बैचलर डिग्री BSc मांगी गई है इन केमिस्ट्री। चौथी पोजीशन टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी केमिकल में डिप्लोमा मांगा गया दोस्तों इन केमिकल इंजीनियरिंग में, और इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन का डिटेल भी दे रखा है। और जहाँ तक
टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी मैकेनिकल की बात है दोस्तों, तो इसमें मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगा गया है विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बाकी डिटेल दोस्तों सामने दे रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का भी डिप्लोमा इसमें चलेगा विद मिनिमम 60% मार्क्स। सातवीं पोजिशन टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया है, या इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल का भी डिप्लोमा इसमें चलेगा। तो दोस्तों जहाँ तक ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग की बात है तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है विद मिनिमम 60% मार्क्स, और जहाँ तक नाइन्थ पोजिशन की बात है दोस्तों ट्रेनी असिस्टेंट फिनेंस की बात है तो इसमें बीकॉम या बीबीएम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों 60% मार्क्स के साथ। तो दोस्तों जहाँ तक पोजिशन नंबर 10 की बात है ट्रेनी असिस्टेंट मटेरियल्स की बात है तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है साइंस में, और बाकी डिटेल्स सामने दे रखा है। तो दोस्तों जहाँ तक ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी की बात है तो इसमें ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बाकी अल्टरनेट क्वालिफिकेशन का डिटेल भी सामने दे रखा है। जहाँ तक ट्रेनी असिस्टेंट की बात है तो इसमें बीए या बीएससी या बीकॉम बीबीए बीबीएम या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स दोस्तों। बाकी इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी मांगा गया है, इसका डिटेल सामने लिखा गया है। दोस्तों जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसके डिटेल पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है। इसमें रिटन टेस्ट होगा दोस्तों जिसका ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट होगा, और उसके बाद और दोस्तों जहाँ तक रिटन टेस्ट सेंटर की बात है तो इसके रिटन टेस्ट सेंटर कर्नाटक में होंगे। दोस्तों जहाँ तक इन पोजीशन के लिए अप्लाई करने की बात है तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों जनरल तथा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और इसमें बैंक चार्जर और टैक्सेस एट्सेट्रा अलग से पे करने पड़ेंगे। और जहाँ तक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात है और रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ एमआरपीएल की बात है तो इनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। किस तरह से आपको फ़ी पे करनी है इसका डिटेल भी सामने दे रखा है। और जहाँ तक अप्लाई करने की बात है दोस्तों तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 11 में दे रखा है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और जहाँ तक MRPL की वेबसाइट की बात है तो इसका वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है https://www.mrpl.co.in/careers। इसमें आप विजिट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पूरा डिटेल दे रखा है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों जहाँ तक पार्ट 2 की बात है तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है हु हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी, इट इज़ नॉट फॉर अप्लीकेबल फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ MRPL। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स के बारे में। जहाँ तक कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग द मैक्सिमम परमिसिबल एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों तो इसके लिए डेट है 9th November 2019। डेट फॉर कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 October 2019, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों 9th November 2019 है। और जहाँ तक डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की बात है दोस्तों तो ये इट विल बी अनाउंस्ड ऑन MRPL वेबसाइट दैट इज https://mrpl.co.in। तो दोस्तों इन केस आप इन वैकेंसीज में से किसी भी पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, थैंक यू वेरी मच।